Hi guys, this is Chahat Pandey and you're watching Just Showbiz. Hi everyone, welcome to Just Showbiz. आज के इस एक्सक्लूसिव चैट सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस चाहत पांडे से, जो बताएंगी उनके शो नथ जेवर या जंजीर में कौन सा नया बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वेलकम टू जस्ट शोबिज गाइस, थैंक यू। हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे किचन में जो सियप्पा हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से सब हुआ है। हाँ, एक्चुअली किचन में महुआ आती है अपना प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अचानक आके देखती है कि ये सारा खाना जला हुआ है, सारी मिठाई ख़राब हो चुकी है, समय बहुत कम है। तो वो सोचती है अभी क्या करेगी, किसने किया है, क्या किया है, क्यों किया है, ये तो नहीं पता, पर ये है कि हाँ वो सोच रही है कि अभी जल्दी से जल्दी खाना बना दे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कंजकें आई हैं घर में, इतने मेहमान आए हैं, उनको खाना दे सके वो जल्दी से। नवरात्रि का मौका है, पूजा वगैरह होने वाली है, उसी में एक नई मुसीबत आ गई, तो महुआ के लिए सबसे बाहर निकलना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, बट देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, यू नो, क्योंकि महुआ है, महुआ हार तो कभी मानती नहीं है एंड जो वो चाहती है वो करके ही मानती है। सो यस, आई एम वेरी श्योर कि महुआ को थोड़ा सा टाइम लग जाए, पर यस वो सारे यू नो जो भी खाना है नहीं बना है, मेहमान वेट कर रहे हैं, सब कुछ आराम से अच्छे से हो जाएगा। पहले अगर बात की जाए तो नवरात्रि का मौका आ रहा है, वेल आप किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं? हाँ, सभी के लिए, सारे व्यूअर्स के लिए, सारे फैंस के लिए हैप्पी नवरात्रि। एंड मैं तो नवरात्रि पे बस हम डेली शूट करते हैं, यहाँ से सुबह से रात तक हम यहीं पे रहते हैं, सो हमारी नवरात्रि सब यहीं पे है, सेट पे ही जो पूजा होती है और जो हम मतलब ऑन कैमरा जो हम फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, अभी गरबा सीक्वेंस हुआ है कल, सो यही सब हम इसी में इंजॉय कर लेते हैं, इसी में नवरात्रि मना लेते हैं। एंड पर हाँ, हमारे शो के व्यूअर्स के लिए नवरात्रि काफ़ी उनको देख के बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि कुछ तो होगा नवरात्रि पे, अभी माता रानी है तो महिषासुर को मारती है, तो देखते हैं किस रावण का वध होता है, क्योंकि हमारे शो में बहुत सारे हैं कैरेक्टर्स जो यू नो महुआ को हैप्पी नहीं देखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चाल चलते रहते हैं, तो शायद यू नो ऐसा कुछ माता रानी चमत्कार करें कि उनको रियलाइज़ हो कि यस हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुवेल, अगर बात की जाए तो नवरात्रि का अगर सेलिब्रेशन का टाइम आता है तो बहुत सारी स्वीट्स मेमोरी आ जाती है माइंड में, आपकी कोई ऐसी है बचपन की चाइल्डहुड मेमोरी? हाँ, बहुत मज़ा आता था, हमारे घर के पास में दुर्गा माता की मूर्ति रखी जाती थी बड़ी सी, डेली वहाँ पे आरती होती थी शाम को, डांस करते थे हम सब मिलके बहुत सारा, सो फन होता था, एंजॉयमेंट होता था। एंड हमारे गमों के हर चौराहे पे बड़े बड़े दुर्गा की माता की मूर्ति रखी जाती थी, तो मैं जाती थी मम्मी पापा के साथ देखने के लिए, तो सारी दुर्गा जी के दर्शन करती थी फिर आती थी, सो अच्छा लगता था, मज़ा आता था। अच्छा, इस नवरात्रि फैंस के लिए कोई मैसेज एंड टिप्स कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, नवरात्रि के लिए मैं कहना चाहूँगी हैप्पी नवरात्रि एंड अच्छा है, माता जी की पूजा करिए, हमारे जो इंडियन फेस्टिवल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत पसंद है, सो यस एंजॉय कीजिए ये सारी चीज़ें, और गुजराती तो कितना एंजॉय करते, कितना गरबा खेलते हैं, और अब तो हर जगह होने लगा है हमारे MP में भी, UP साइड भी, तो नवरात्रि को तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम रोज़ गरबा खेलने जाते हैं, सुंदर सुंदर तैयार होते हैं, सो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बहुत अच्छा, तैयारियाँ कितने पहले से स्टार्ट हो जाती हैं, डांस क्लासेस जाने लगते हैं गरबा के लिए, सो बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत प्यारा फेस्टिवल है नवरात्रि। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करिए।